क्या आप जानते हैं भारत में लगभग 19% दृष्टिबाधित दिव्यांग हैं और लगभग 19% श्रवण बाधित दिव्यांग हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में भारत सरकार दिव्यांगजनों की सामाजिक और शारीरिक क्षमता को बढ़ाकर उनके आर्थिक विकास की दिशा में युद्ध स्तर पर काम कर रही है। एडिप यानी कि सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद और फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता योजना। एडिप योजना के अंतर्गत इन 9 वर्षों में लगभग 2,50,000 सहायक यंत्र दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों को वितरित किए गए हैं। एडिप योजना के तहत गत 9 वर्षों में लगभग 4,50,000 श्रवण यंत्र भी वितरित किए गए हैं। इसको जन्म से ही सुनने में दिक्कत थी, फिर संस्था में इन्होंने हमें मुंबई भेजा इम्प्लांट के लिए। हमारा मुफ्त में इम्प्लांट हुआ, कोई पैसा खर्च नहीं हुआ और भारत सरकार का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। स्मार्ट केन, स्मार्टफोन, ब्रेल स्लेट, ब्रेलर, फोल्डिंग स्टिक, लैपटॉप, ज्योमेट्री किट, अरिथमेटिक किट आदि एडिप योजना के अंतर्गत दृष्टिबाधित छात्रों को दिया जाता है। मैं भारत सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने बहुत सहूलियत मिला है TCAV में और मुझे स्मार्टफोन भी मिला है। इन सहायक यंत्रों द्वारा दृष्टि बाधा शिक्षा में बाधा नहीं बन सकती। उसी प्रकार श्रवण यंत्रों एवं दूसरे उपकरणों तथा कॉकलियर इम्प्लांट द्वारा श्रवण बाधित दिव्यांगजनों की समस्या का भी त्वरित निदान किया जा रहा है। भारत सरकार ने एडिप योजना में दिए जा रहे सहायक यंत्रों की गुणवत्ता पर भी बहुत ध्यान दिया है ताकि हमारे दृष्टि एवं श्रवण बाधित दिव्यांगजनों को एक बेहतर और गुणवत्तापूर्ण जीवन दिया जा सके। मुझे ये इंटरपेंट ब्रेल स्लेट मुफ्त में मिला है, इसलिए मैं भारत सरकार एंड अपने NIPVD का धन्यवाद करता हूँ। आधुनिक प्रौद्योगिकी की मदद से आज सभी सहायक यंत्रों को उन्नत बनाया जा रहा है। इससे दिव्यांगजनों की शिक्षा, रोजगार और पुनर्वास बहुत आसान हो गया है। आज एडिप योजना के साथ दिव्यांगजन बटा रहे हैं राष्ट्र निर्माण में हाथ।